नाम पुजे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह दा अध्यापक जत्थेबंदियां ने कीता विरोध। अध्यापकां वल्लों नारेबाजी करदे सीएम दे काफले नूं पाया घेरा। दस दईए कि शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि देण लई पुजे सी कैप्टन अमरिंदर सिंह। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने किया घग्गर नदी का हवाई सर्वेखण। भारी मीह तो बाद वधे जल स्तर नूं वेखण लई सीएम ने जायजा लिया अते पटियाला ते संगरूर प्रशासन नूं कीती रिपोर्ट तलब। दुनिया भर विच भारत का नाम रोशन करने वाली अथलीट बीबी मान कौर का होया अज देहांत। 105 साल की बीबी मान कौर कैंसर नाल रही सी जूझ। अंतरराष्ट्रीय स्तर से हुण तक 35 मैडल जीते। आम आदमी पार्टी की नेता सरबजीत कौर मणुके ने कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार नूं दस्या ढोंगी। मणुके ने कहा दलितों का मसीहा बनते कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार खुद लोगों के हकों का कर दी कान। पंजाब दे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फाइनल विच पहुंचण ते कमलप्रीत कौर नूं दित्ती वधाई। ट्वीट करके उन्हां कहा कि कमलप्रीत पहला तो ही चैंपियन एथलीट ने, फाइनल लई शुभकामनावां। शहीद उधम सिंह की 81वीं बरसी ते मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सुनाम विच उधम सिंह मैमोरियल का किया उद्घाटन। सुनाम पहुंचे मुख्यमंत्री ने शहीद उधम सिंह नूं दित्ती श्रद्धांजलि। पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू फतेहगढ़ साहब शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि भेट करने लिए पहुंचे, जिथे उन्हां सरदार उधम सिंह नूं श्रद्धा दे फुल भेट किए। इस मौके कार्यकारी प्रधान कुलजीत नागरा भी रहे मौजूद। पंजाब सरकार वालों ओलंपिक विच गए खिडारियों लिए वड्डा ऐलान। गोल्ड मैडल जीत के लियाउण वाले खिडारी नूं सरकार वालों 2.25 करोड़ अते सरकारी नौकरी दे नाल कीता जावेगा सन्मानित। बीजेपी आगू मदन मोहन मित्तल दा दावा, बीजेपी सरकार किसानां दे नाल, जो भी फैसला लिया वो किसानां दे हित विच लिया। कहा विरोध नाल नहीं बदलिया जावेगा फैसला, खेती कानूनां च सुधार होवेगा रद्द नहीं। पंजाब सरकार दा वड्डा फैसला, 2 अगस्त तो खोले जाणगे सारे प्राइवेट अते सरकारी स्कूल। स्कूल प्रशासन ते बच्चियां नूं कोविड नियमां दा करना पवेगा पालन। प्रधानमंत्री ने की देश के 144 आईपीएस के प्रोबेशन अधिकारियों के नाल गलबात। इस मौके प्रधानमंत्री ने पुलिस अधिकारियों की फिटनेस सिस्टम नूं गंभीरता नाल लागू करन दे दित्ते संकेत। हरियाणा के सिरसा पहुंचण ते एससी कमीशन के चेयरमैन विजय सांपला का किसानों वालों किया गया विरोध। हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान बलबीर सिंह दादूवाल नूं मिलण पहुंचे सन सांपला। राजस्थान विच किसानां ने बीजेपी लीडर नूं घेर के कीती कुटमार। इस हथोपाई विच लोकां वल्लों बीजेपी लीडर दे कपड़े तक फाड़ दिते गए। दस दईए कि खेती कानूनां खिलाफ किसानां दा रोस लगातार अजिहियां घटनावां दे रूप विच आ रहा बाहर। दिल्ली तो आम आदमी पार्टी दे नेता जरनैल सिंह ने खेती कानूनां दे खिलाफ दिल्ली विधानसभा विच दित्ती स्पीच। कहा केंद्र दी सरकार किसानां दी जमीन खो के पूंजीपतियां नूं देना चाहुंदी। दिल्ली विधानसभा ने खेती कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव किया पास। प्रस्ताव दी सिफारिशों में प्रधानमंत्री मोदी नूं खेती कानून रद्द करने लिए कहा। आम आदमी पार्टी ने ट्वीटर उपर दित्ती जानकारी। ओलंपिक विच कमलप्रीत दे फाइनल विच पहुंचण ते श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने दित्तियां पंजाब वासियां नूं वधाईयां। ट्विटर उपर सुखबीर बादल ने ट्वीट करके जताई खुशी। प्रकाश सिंह बादल ने भी कमलप्रीत दे पिता नूं फोन कर दित्ती वधाई। उथे ही कांग्रेसी विधायक अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने भी फेसबुक उपर कमलप्रीत की फोटो शेयर करके जित की खुशी की जाहिर। राजा वड़िंग ने कहा पंजाब की धी की इस शानदार जित ते माण। कांग्रेसी नेता राणा गुरमीत सिंह सोढ़ी ने भी पोस्ट शेयर करके कमलप्रीत की फाइनल विच जगह बनाउण लई दित्ती वधाई, अगे की जित लई दित्तियां शुभकामनावां। लुधियाणा के एक पिंड विच किसान दे 5 साल बच्चे नूं अगवा करन वाला नौकर होया काबू। लोकां वल्लों नौकर दी जम के कीती कुटमार। परिवार तो बच्चे बदले पैसिआं दी मंग कर रहा सी आरोपी। पंजाब च अगले 4 दिनों तक छाए रहणगे बदल। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब ते हरियाणा के कुछ हिस्सों विच अगले 4 दिन छाए रहणगे बदल। गर्मी तो मिलेगी राहत, कई जगह ते हल्की बरसात दे भी आसार। श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल दी पंजाब सरकार अगे अपील। ओलंपिक विच हिस्सा लैण वाले पंजाब दे खिडारियों नूं घट्टो घट 1 करोड़ दित्ती जावे राशि। जिला पटियाला तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी अते भाजपा दे सीनियर आगुआं दे श्रोमणी अकाली दल विच शामिल होण उपरंत चंडीगढ़ विखे प्रैस कॉन्फ्रेंस नूं संबोधन करन पहुंचे श्रोमणी अकाली दल दे प्रधान सुखबीर सिंह बादल। फतेहगढ़ चूड़ियां विच 2 मोटरसाइकिल सवार नौजवानों वालों एक व्यक्ति ते कीती फायरिंग, मौके ते ही हुई मौत। सीसीटीवी तस्वीर आईयां सामने। सुनाम विच आंगनवाड़ी वर्कर ते पुलिस विचकार हुई झड़प। वर्करां दा कहना उन्हां नूं शहीद उधम सिंह नूं श्रद्धांजलि देण तों पुलिस ने रोकिया अते दित्तियां धमकियां।
तरनतारन जिले नाल लगदी पाकिस्तान सीमा कोल बीएसएफ ने दो घुसपैठी पाकिस्तानियों नूं मार गिराया। बीएसएफ दे अधिकारी ने दित्ती जानकारी। कांग्रेस के साबका प्रधान राहुल गांधी ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। दस दईए कि राहुल गांधी ने दो दिन पहला ही वैक्सीन की पहली खुराक ली है, इसलिए वह पिछले दो दिनों तो संसद इजलास च नहीं पहुंचे। साबका केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का बयान, पहला सरकार संसद के बाहर नहीं सी सुनती ते हुण संसद के अंदर भी लोगों की आवाज नूं दबा रही, ये लोकतंत्र का कण। विरोधी धिरां नाल राष्ट्रपति नाल मुलाकात लई पहुंची हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि सरकार लोगों के दो अहम मुद्दों नूं दबा रही, जसूसी कांड ते किसानां दे मुद्दे ते लोगों द्वारा चुने नुमाइंदे चाहुंदे ने चर्चा। हरसिमरत कौर बादल की अगवाई विच तीन होर विरोधी पार्टियां ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नाल कीती मुलाकात। हरसिमरत बादल ने दस्या कि उन्हां राष्ट्रपति नूं बेनती कीती कि संसद विच उन्हां दी अपनी गल कहण दा दित्ता जावे मौका। दिल्ली च फिलहाल यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तो हेठां 205.33 वर्ग दर्ज किया गया। एक दिन पहला दिल्ली प्रशासन ने बाढ़ की चेतावनी दी सी। नदी के डुब खेतर दे विच रहण वाले लोगों सुरक्षित स्थानों ते पहुंचाउण की कोशिश शुरू की गई सी। उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान सने भारत के कई हिस्सों च आने वाले दिनों में हो सकती है जम के बारिश। मध्य प्रदेश के मौसम विभाग ने दिता ऑरेंज अलर्ट। झारखंड सरकार ने 9वीं अते 12वीं क्लास के विद्यार्थियों नूं स्कूल बुला के क्लासा शुरू करन दी आग्या दे दित्ती अते नाल ही अंतरराष्ट्रीय बसा दे संचालन दी भी इजाजत दित्ती। सेहत मंत्रालय वल्लों जारी कीती रिपोर्ट दे अनुसार देश विच हुण तक कोविड-19 दे टीके दी 46 करोड़ तो वध खुराक दित्ती जा चुकी है। शुक्रवार नूं कोविड-19 दी 44,38,901 खुराकां दित्तियां गईआं। भारत और चीन विचाले 12वें दौर की फौजी वार्ता घट कर सकती है लद्दाख मसले का तनाव। गलबात का उद्देश खेत्र विच 14 महीनों तो वध समय तो चल रहे विवाद नूं खत्म करना। नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड नूं कीता 1,00,000 रुपए का जुर्माना। फैक्टरी के संबंध में अपने आदेश की पालना दे विच कीती सी देरी। भारत की कमलप्रीत कौर टोक्यो ओलंपिक 2020 की महिला डिस्कस थ्रो के फाइनल में पहुंची। कमलप्रीत ने 64 मीटर का ऑटोमैटिक क्वालीफाइंग मार्क हासिल करके फाइनल में बनाई अपनी जगह। टोक्यो ओलंपिक भारतीय महिला हाकी टीम की हुई शानदार जीत। दक्षिणी अफ्रीका 4-3 हरा के नाकआउट में पहुंचने की उम्मीदों रखा बरकरार। उत्तराखंड के हरिद्वार के एक छोटे जे पिंड रोशनाबाद की वसनीक वंदना कटारिया ने मैच में 3 गोल करके रचा इतिहास। भारतीय महिला हाकी टीम ने ग्रुप ए दे अपने आखिरी मैच में साउथ अफ्रीका 4-3 हराया। ओलंपिक मैच में गोल करने की हैट्रिक बनाने वाली पहली भारतीय महिला हाकी खिडारन बनी वंदना कटारिया। मैडल की उम्मीद टुटी, क्वार्टर फाइनल में हार गई पूजा राणी। भारत के वलों 75 किलोग्राम वर्ग में पूजा राणी की ओलंपिक यात्रा हुई खत्म। क्वार्टर फाइनल मैच में पूजा राणी चीन की खिडारन ने 5-0 हराया। चीन की खिडारी ली क्यान ने 3 राउंड विच बनाया दबदबा। भारतीय बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु गोल्ड की रेस तो बाहर। हुण 1 अगस्त नूं चाइना की ही बिंग जियानो के खिलाफ ब्रांच खेलेगी सिंधु। WHO के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट प्रकोप के कारण मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व च कोरोना की चौथी लहर आ गई है। WHO ने कहा है कि मध्य पूर्व के विच टीकाकरण की दर घट है, इसलिए इतने कोरोना के केस तेजी नाल वध रहे ने। अफगानिस्तान च सुरक्षा बलों ते तालिबान विचाले संघर्ष तेज हो गया है। अफगानिस्तान के सुरक्षा बलों ने कई सूबों में आतंकवादियों को निशाना बनाया है, जिसके चलते पिछले 24 घंटों में 100 तो वध आतंकवादी मारे गए ने अते 90 के करीब जख्मी हुए ने। अफगानिस्तान सरकार का पाकिस्तान से दोष क्या, 10,000 तो वध पाकिस्तानी आतंकवादी अफगानिस्तान में दाखिल हुए ने। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा कि 1 महीने च 10,000 विदेशी आतंकवादी पाकिस्तान तो अफगानिस्तान आए ने। पेट्रोल डीजल की कीमतें रही स्थिर, 14वें दिन भी कीमतों कोई बदलाव नहीं। देश की सब तो वड्डी टेलीकॉम कंपनी ने फैसला लेंदे हुए कहा है कि वोडाफोन आइडिया जियो और एयरटेल कंपनी के 100 वाले प्रीपेड रिचार्ज च हुण SMS का लाभ नहीं मिलिया करेगा। यानी जेकर कोई भी गाहक 100 वाला प्रीपेड रिचार्ज करवाउंदा है तो उसनू SMS का कोई लाभ प्राप्त नहीं होया करेगा। अश्लील वीडियो बनाने के केस में गिरफ्तार राज कुंद्रा दी मुश्किलां होर वधियां। भाजपा विधायक ते बुलारा राम कदम ने हुण राज कुंद्रा ते ऑनलाइन गेम गार्ड के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी करन दा इल्जाम लगाया। अक्षय कुमार ने अपनी आने वाली नवी फिल्म बैल बॉटम की नवी तरीक की की घोषणा। हुण यह फिल्म 27 जुलाई नूं नहीं बल्कि 19 अगस्त नूं होवेगी रिलीज़। इस फिल्म च अक्षय कुमार के नाल वाणी कपूर, लारा दत्ता ते हुमा कुरैशी लीड रोल विच नज़र आउणगे।
ਇਹ ਫਿਲਮ ਸੱਚੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ। टीवी की दुनिया तो बॉलीवुड च पैर जमाने वाली मोनी रॉय का रोमांटिक गाना बैठे बैठे रिलीज होए नूं 6 दिन हो गए ने, पर यह गाना अज भी ट्रेंडिंग लिस्ट ते है। इस गाने च मोनी रॉय अंगद बेदी नाल नजर आ रही है ते इस गाने नूं दर्शक खूब पसंद कर रहे ने। बॉलीवुड अदाकारा श्रद्धा कपूर की चैट करदे दी तस्वीर लगातार सोशल मीडिया से वायरल हो रही है। तस्वीर च श्रद्धा कपूर की चैट दौरान की गई गलबात भी लीक हो गई है। उत्थे तस्वीर तो अनुमान लगाया जा रहा है कि श्रद्धा कपूर अपने किसी करीबी नाल चैट कर रही थी। बॉलीवुड अदाकारा कियारा आडवाणी अज अपना 29वां जन्मदिन मना रही है। बॉलीवुड सितारे ते उन्होंने फैंस उन्होंने सोशल मीडिया से वधाइया दे रहे हैं। दस दिए कि कियारा आडवाणी ने 2014 च एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म फगली नाल बॉलीवुड च एंट्री मारी थी।